जिस गली से मोए मिल जाए कान्हा। मुश्किल हुआ रे मेरा पन्ने घट पे जाना। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू चैनल राधे राधे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो आज है पुत्रदा एकादशी, तो बहुत अच्छा होता है। एकादशी तो सभी अच्छा होता है, मेरे घर में सब किया हुआ है आज। तो आज दिखाते हैं आज पूरा दिन क्या होता है, और आज कुछ और स्पेशल अभी है। अभी झूला स्टार्ट हो गया ना, तो मैं आज आप लोग को दिखाऊंगी कुछ स्पेशल शाम को, शाम के टाइम में, है ना मैथिली? हाँ। तो आज है पुत्रदा एकादशी। कौन सा एकादशी है मैथिली? पुत्रदा। पुत्रदा भी पुत्रदा पुत्रदा एकादशी। तो एकादशी तो हम लोग तो वैसे पूरा एकादशी जितना 24 एकादशी होता है सब करते हैं, और लेकिन कन्हैया के साथ हम लोग कैसे झूला झूलते हैं, है ना मैथिली? तो आज शाम को आज आप लोग को दिखाएंगे। प्लीज बने रहिएगा इस ब्लॉग के एंड तक के लिए। बाय बाय। तो अभी चल रहा है छत का साफ सफाई। देखिए गाइस, मेरी लाडो रानी आज झाड़ू लगा रही है, अभी हम लगा लिए हैं और लाडो भी लगा रही है ना लाडो? थोड़ा सा बाकी है, अब उतना ही करेगी। अब अभी आप जा रहे हैं नीचे, तो आप झूला का सब करेंगे तैयारी, उसके बाद कीर्तन करेंगे, उसके बाद आप लोग करेंगे। अब सावन तो एंड होने वाला, लाडो बस हो गया, पूर्णिमा आने वाला। बहुत अच्छा मौसम है छत का, अभी सब ऊपर से ये एलोवेरा के पेड़ के पास खड़ा रहते हैं, एकदम स्वच्छ हवा, फ्रेश हवा हम लोग छत पे खा रहे हैं। इतना अच्छा मौसम हुआ है, देखिए बादल कितना अच्छा, बादल हमको तो बहुत अच्छा लगता है छत पे। देखिए हम लोग आते हैं छत पे ज़्यादा कर, हाँ छत का व्यू बहुत ही अच्छी। तो चलिए बने रहिएगा इस ब्लॉग में। सब बैठे हुए हैं झूला का तैयारी करने के साथ, मम्मी ढोलक वोलक लेके सब बैठे हुए हैं। हम लाडो रानी और मैथिली रानी डांस करने के लिए रेडी हैं। ये मेरे गोपाल जी सजे हुए हैं, बैठ चुके हैं यहाँ पे अपने झूला पे। आज झूला का सब तैयार हो चुका है, ये अमृत का प्लानिंग है। और ये मेरी मैथिली रानी राधा रानी बन के रेडी है, ये मेरी लाडो रानी ये भी बन के रेडी है। सब अभी प्रोग्राम के लिए सब तैयार, अमृत तो और मम्मी आ रही है बस। देखिए प्लीज़ बताइएगा कैसे लगे मेरे गोपाल जी सज संवर के बैठे हुए हैं। आज पहला दिन है, आज झूला का पहला दिन है, अभी रक्षाबंधन तक चलेगा। लागे
की चुनरिया मेरी फाड़ दई साड़ी। छेड़े है सहेली मोहे, छेड़े है सहेली मोहे, मारती है ताना। दैया रे दैया इसका कैसा बतियाना। मुश्किल हुआ रे मेरा अपन घट पे जाना। बैठी आ रहा हम लोग अभी आ रहे हैं बैठने के लिए। अभी हम लोग फलाहार करेंगे। तो आज तो पुत्रदा एकादशी बताए थे आप लोग को, अच्छा होता नहीं मम्मी? पुत्रदा एकादशी सबको करना चाहिए ना आज हम लोग के, वैसे एकादशी तो सभी करना चाहिए। हम लोग क्या कर रहा है, खाना पीना खाया ना सब? खाना पीना खाया कि नहीं? हाँ या ना में आंसर देना सब अपना अपना। अमरी तुम ही से बात करे, खाना पीना खाया? रूम का देखो, बेड का हालत देखो, क्या करके रख दिया सब। मतलब हम पूरा दिन पूरा रात यही से काटते रहे। आए लड़की सोने के, चलो उतरो, नीचे उतरो, बेड से नीचे उतरो, मोबाइल रखो सीधे। चलो तुम भी जाओ। लाडो रानी आप कहीं कि महारानी नहीं आई है, आप भी उतरिए यहाँ से, जाइए सीधे, मम्मा इंतजार कर रही है। फोन यहाँ पर रखो, तुम फोन यहाँ पर रख। 10:30 बज रहा, कोई टाइम होता है कि नहीं हर चीज़ का? तुम फोन पहले यहाँ पर रखो, सबसे बड़ी ढीठ तुम ही हो क्या? रखो फोन यहाँ पे रखो ना। ओके नहीं, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। आज बहुत रात हो गया, 11:30 बज गया है। आज हम लोग कीर्तन करते करते इतना लेट हो गया। फिर उसके बाद फलार वलार बनाए, फिर खाना पीना बनाए, सब खाते पीते अभी सब करके काम सारा कंप्लीट करके 11:30। और जब तक हम नहीं सोएंगे, ये ऐसा लड़का है, हम क्या बताएं आप लोग को, जब तक हम 2 बजे रात तक नहीं सोएंगे तो ये भी नहीं सोएगा। इसका मतलब क्या करता रहता है, तो मोबाइल देखता है, और क्या करेगा, मोबाइल चलता रहता है। नहीं तो यदि हम रूम में 10 बजे आ जाएं तो ये 10 बजे ही सो जाता है। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।